हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशाज क्रिएशंस। आज जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है हमारे मधुबनी में मैरिज फंक्शन मेन था, जहाँ से हमारी मधुबनी आर्ट स्टार्ट हुई थी। तो आज हम एक बहुत ही अलग सी चीज़ जो मैरिज फंक्शन में बहुत एसेंशियल है, नाउअडेज इट इज़ मिसिंग, अभी नहीं यूज़ होती, बट आज हम उसको ट्रेस करेंगे। तो रिक्वायर्ड मटेरियल आपके लिए है हमारी पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर एज इट इज़। इसके अलावा हमारे पास कुछ कलर्स हैं, फैबर कैसल की परमानेंट कलर या फिर आप पोस्टर कलर। सारे वीडियोस में हम पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं, हैंडमेड पेपर पे। इसके अलावा जो आप कलर यूज़ कर सकते हैं वो है ये कैमल की आर्टिस्टिक एक्रेलिक कलर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे बनाने के लिए। इसके अलावा जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हैं हमारे कुछ ब्रशेस जो हमें ज़रूरत होगी, और इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं और इस निब के साथ कंफर्टेबल नहीं है, देन वी कैन यूज़ दिस ट्विन मार्कर। ये मार्केट में बहुत ईजी मिल जाता है, आप इससे लाइनिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी डोली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी हमारे पुराने ओल्डन डेज में। ये इनका बहुत ही सिंपल ढंग से आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे ये डोली बनाई जा रही है। डोली मतलब जो डोली के अंदर बैठेगा। ये जब हमने नेक बनाया इसके साथ ही दोनों हैंड पोस्चर को हमने बना दिया। ओके, अब जो हम बनाएंगे इसमें वो है हमारा हमारी आईब्रो, आईज का सेक्शन मैंने आपको पहले दिया है, ओके। अभी ये हमारी लेडी है जो कि डोली में बैठी हुई है, इनके साथ इनका दुपट्टा। और इनके ये हमारी बैठी हुई लेडी है जो कि डोली में कहीं जा रही है। इनकी ईयर बना देते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी, एक्सप्रेशन, परफेक्शन इस मधुबनी में नहीं है। आपको दिखाना है कि ये लेडी बैठी है हाथ को बांध करके और वो कहीं जा रही है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन नहीं देने हैं, आपको बस दिखाना है कि वो लेडी अंदर किस तरह से बैठी हुई है। ये मैंने बना ली लेडी। अब हम बनाएंगे उस डोली पार्ट को जिसमें ये बैठी हुई है। उसके लिए सबसे पहले एक स्क्वायर होगा जो आपको डोली जैसा बनाना है, सॉरी मेरा ब्रश थोड़ा हिल गया, और ये हो गया हमारा ये ऊपर का पार्ट। दुपट्टे के ऊपर का हम वर्क कर देते हैं, ये हमारा दुपट्टा है।
अब इस डोली के पार्ट को भी हमें डबल करना है, तो ये हमारी हो गई डोली का अंदर का पार्ट। इसको थोड़ा डबल कर देते हैं क्योंकि डोली हमारी तभी भी वुडन की होती होगी, या वुडन की ही होती होगी क्योंकि उस टाइम पे हमारा वुडन ज़्यादा पॉपुलर था। तो ये हमारी लकड़ी की एक डोली होती थी जिसमें हमारी दुल्हने विदा होती थी। अब इसको भी हमें करना है डबल, तो सेम मेथड के साथ हम इसको कर देंगे डबल। मे बी आप लोग अभी तक जो वीडियोस देख रहे होंगे उसके बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्रश से करना बहुत आसान होता है मधुबनी पेंटिंग। अगर आप एक बार मार्कर से करने लगते हैं तो, और जब आप ब्रश से करते हैं तो आप डिफरेंस देख पाते होंगे कि ब्रश से करने की ब्यूटी ही अलग होती है, क्योंकि जो इम्परफेक्शन आता है ब्रश से करने का, वही तो ब्यूटी है मधुबनी पेंटिंग की। तो आप ट्राई करिए, क्योंकि मे बी समटाइम्स बहुत सारे लोगों के पास ब्रश निब नहीं होती है, और अगर निब नहीं है और ब्रश है तो इट्स ओके, आप ब्रश से बहुत आसानी से अपनी मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर और अच्छा मेथड है। अब हो गया, अब हमें डोली के अंदर के थोड़ा मैं पास लेती हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, अब इस डोली के अंदर का हमें थोड़ा सा इंटीरियर करना है, जैसे इनकी डोली पे थोड़ा सा पर्दा लगा है, क्योंकि जो कर्टेन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा ये कर्टन ऐसे नीचे आ रहा है, इसको भी आपको करना है डबल। ये हमने कर दिया इसको डबल। अब जो आता है डोली में डेकोरेशन वो है, हम इसका अपर साइड थोड़ा सा इसको कर देंगे डबल। और अब जो थोड़ा डेकोरेशन है वो है कुछ भी शेप आप बाहर से दे दीजिए जिससे आपकी डोली टॉप पोर्शन मेरा कट रहा है, मैं आपको साइड में करके बता दूंगी। ये आपने बनाया जो टॉप पोर्शन है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। इसको कर दिया आपने डबल। आप जब कोई साड़ी बना रहे हैं तो ये पैटर्न आप ले सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा साड़ी के बॉर्डर पे और आंचल पे, जिसको आप पल्लू भी कहते हैं। ये हो गया, अभी हम इसको भी बीच में एक और लाइन दे सकते हैं। और इसी इजी वे में साड़ी पे भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ हमने कर दी कुछ सर्कल्स, इन सर्कल्स को आपको पूरा यहाँ तक बनाना है। अब हम आते हैं अपने थोड़े अंदर वाले इंटीरियर पे। इसको हम कर्टेंस को डिफरेंट कलर से कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा डबल कर देते हैं। ओके, अभी जो है नंबर वो आता है थोड़ी सी
इनका, हाँ डोली में हमारा स्टैंड ज़रूर होता है जिस पे ये डोली खड़ी होती है। इसको भी आपको करना है डबल। और डोली में ये आगे का हैंडल होता है जिसको पकड़ के डोली लोग उठाते हैं, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है डोली का। ये हो गई हमारी डोली कंप्लीट। अभी इसके साथ का इंटीरियर हम बनाएंगे। जैसे हमें ये बॉर्डर देना है, अब जो भी पीस मैं आपको करा रही हूँ वो पूरा फुल बॉर्डर के साथ एक प्रॉपर आर्ट पीस के तौर पे, जिससे आप डोली भी सीख जाइए और उसको फुल आर्ट पीस बनाना है या एक प्रॉपर वर्क बनाना है तो उसको भी आप बना सकिए। ये हो गया आपका बॉर्डर, जिसको अगेन हमको सॉरी दिख नहीं रहा था आपको शायद, अभी नाउ इट इज़ ओके। ठीक है, अभी हमको एज इट इज़ डबल करना है, जैसे हर बार हम अपने बॉर्डर को डबल करते हैं। आप फ्लो देख रहे हैं ब्रश का, ब्रश का यही फ्लो होगा। ये आपको पेन के साथ भी नहीं मिलेगा और निब के साथ भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ब्रश के साथ काम करने में आता है। और यकीन मानिए ब्रश के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। आप जब करते हैं तो ये प्रॉपर जब फ्लो मिलता जाता है तो आप आराम से बैठ के एक दो घंटे काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एज इट इज़ थोड़ी सी ये हमने निकाली, यहाँ पे कुछ ये आप जब करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा कि कहाँ से क्या निकालना है, कैसे फिलर्स देने हैं, और आप अपने आप करते चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। इसी तरह हमें इधर भी निकालना है। पहले हम फ्लावर बना लेते हैं, उसमें हमने लीव्स पहले बनाई थी, इसमें हम फ्लावर पहले बना रहे हैं। बहुत इजी है इसकी लीव्स बनानी, इसकी फ्लावर्स बनानी, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतने ही फ्लो में जाएगा और आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ये आपने चीज़ें बना दी। अब जो आता है इसका पार्ट, इसमें कहीं कहीं आप लाइक सपोज़ आप समझ लीजिए आप ये कोई पीस बना रहे हैं जिस पे आप बेडशीट पे बना रहे हैं या आप साड़ी पे बना रहे हैं, तो आपको पूरे पैटर्न पे ये समझ लीजिए आपका पल्लू हो गया,
और ये किसी कलर की साड़ी है, आप समझ लीजिए ये साड़ी है आपकी येलो कलर की, पर आप इसको जगह जगह पे कुछ फिलर्स ऐसे देंगे जिसको आपको कलर नहीं करना होगा, और ये फिलर्स वाले कलर दूसरे कलर से आएंगे। आपने यहाँ देना है, ये जस्ट रैंडम कहीं भी बनता चला जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंपल सा बॉर्डर बना दिया जो आप इस कॉर्नर पे भी दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं जस्ट रैंडम डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें रैंडम पेंटिंग ही सही रहती है। उसके बाद जब हम करेंगे, अब हम इसकी कलरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो कलरिंग के लिए अगेन हम ये पोस्टर कलर लेंगे और कलर हम अपने मन से भरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो कलर हम ले रहे हैं वो है हमारा हमेशा की तरह रेड। पहले मैं सारे रेड वाले पोर्शंस को कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं फ़ोन नंबर का ब्रश ले रही हूँ जिससे मैं इनकी चुन्नी कर, सबसे पहले इनका ये चुन्नी या दुपट्टा आप जिसको बोलते हैं वो मैं कर रही हूँ। ये हमने इनका चुन्नी कर ली। ये हमारे कुछ फ्लावर्स हैं रेड कलर के जिसको हम पहले फिल कर लेते हैं। इनकी ये साड़ी को हम येलो कलर कर देते हैं। ब्लाउज के लिए हम इनको ब्लू कलर से करते हैं। और इसको ब्लू कलर से कलर करते हैं।
हम पूरे कलर फिल भी कर सकते हैं एंड लाइंस भी दे सकते हैं, बट मैं आपको ज़्यादातर लाइंस से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से टाइम लाइंस को लेके कंफ्यूजन रहता है। जितनी चीज़ें कलर में फिल कर रही हूँ उससे आप कलर फिलिंग तो जान ही जाएंगे, बट लाइंस के लिए जो कन्फ्यूजन है वो आपका एकदम दूर हो जाए, इसलिए मैं आपको कचनी के साथ ज़्यादा वर्क करा रही हूँ, क्योंकि आप इसके जल अलावा ग्रीन कलर भरना आपके लिए बहुत इजी है, आप आसानी से भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जब आप लाइंस करते हो तो आपको क्लियरिटी हो जाती है। क्योंकि अगर मुझे इसमें ग्रीन कलर फिल करना है तो मैं सेम ऐसे मेथड से जैसे मैंने येलो और रेड किया मैं कलर को फिल कर दूंगी। जैसे यहाँ पे मैं चलिए आपको फिल करके बता देती हूँ, ये वाला जो हमारा कर्टन है ये पूरा फिलिंग में चला जाएगा। इसकी लाइन हमारी डबल नहीं हुई है तो इसको हम कर लेंगे डबल। ओके, ये हमने कचनी से भी आपको बता दिया और भरनी से भी हमने आपको बता दिया। अब इसमें जो आएगी दूसरी लाइंस वो है वो आती है जो लाइन वो मैं ये कलर लूंगी, और ये पूरा बैकग्राउंड जो हमारा है, जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो ये वाला बैकग्राउंड, इसको हम कचनी से ही करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, टू टू लाइंस। मेरे ख्याल से इस पे टू टू लाइंस बहुत अच्छी लगेगी, तो इसको हम टू टू लाइंस के साथ इनके अंदर का बैकग्राउंड करेंगे। पूरा डोली के अंदर का आप किसी भी, इवन आप यहाँ पे वो ब्रोकन कचनी भी यूज़ कर सकते थे या और जितनी भी तरीके की कचनी मैंने बताई है आप उसको आराम से यूज़ कर सकते थे। मुझे थोड़ी सी कर्वी लाइंस के साथ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये चीज़ की। आप अपनी कोई भी फिलर्स, कोई भी कचनी या आप किसी कलर्स के साथ भरनी मीन्स कलर भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार कचनी को लेके ही सबका कन्फ्यूजन रहता है मधुबनी पेंटिंग में। इसलिए मैं इस टोटली इस फियर को, जो कचनी के लिए फियर है लोगों का कि कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा, उन सारे फियर्स को निकालने के लिए मैं ये वाले सारे सेशंस आपके कचनी भरनी दोनों मेथड से कर रही हूँ और बार बार बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके अंदर का डर पूरी तरह निकल जाएगा। अगर आप इसके बाद सिखाना चाहते हैं मधुबनी पेंटिंग तो एक प्लान्ड कोर्स के तरह मैंने इसको बनाया है, आप सेम एज इट इज़ भी बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फिर आप अगर अपना कुछ कोर्स प्लान करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग, इसकी हेल्प से आप अपना कोर्स भी प्लान कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोफेशनल की तरह से बताया है, जो मधुबनी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो फियर होता है उन सब चीज़ों को मैंने इसमें दूर किया है। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी कोर्स के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत कितनी है ये मुझे नहीं पता, पर मधुबनी कोर्स के लिए आपको किसी तरह के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मधुबनी जहाँ से आई है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और उनसे अच्छी मधुबनी कोई कर नहीं सकता।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मधुबनी की डिटेलिंग और मधुबनी के बारे में कितना पता है। हमारे जितने भी मधुबनी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, उनमें से किसी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। उनका अपना हार्डवर्क है, उनकी अपनी अपनी मेहनत और उनकी अपनी डिज़ाइन, अपनी जो इतने दिन की प्रैक्टिस है, वो ही उनका सर्टिफिकेट है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा कि आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो आपकी मधुबनी अच्छी हो जाएगी। नहीं, कभी भी नहीं। इसको अब मैं इस पे ऐसे ये वाली लाइन बना दूंगी, अभी गीला है बट इसको आपको एक बार डबल करना, जिससे ये प्रोमिनेंट आपका लाइन दिखे। सेम इधर भी, फिर लास्ट वाली लाइन। ठीक है, ये आपका इतना वर्क हुआ। अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो है हमारा भरनी पे भी कैसे कचनी करनी है, ये भी आपने देख ली। इनकी साड़ी को थोड़ा और सुंदर बनाइए, थोड़ा वर्क उस पर करिए। ये इनकी, अब हमें इनकी बैंगल्स को कलर करना है, जो कि वेरी सिंपल ढंग से, जस्ट आपको मैं इनकी बैंगल्स को टू कलर्स में कर रही हूँ। जैसे मैंने एक ही रेड का फीलिंग दे दिया, मीन्स भरनी कर ली। और इनके ब्लाउज के साथ मैचिंग करता हुआ मैंने इस पर ये लाइंस दे दी। ये आप फिलिंग भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको पूरी तरह से भी भर सकते हैं। चलिए भर ही देते हैं, बैंगल्स की ब्यूटी तो प्रॉपर ढंग से आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इनके ज्वेलरी पार्ट को हमें इस कलर से कर देते हैं। थोड़ी प्रोमिनेंट दिखनी चाहिए और इनके इवन इसको भी रेड कर देते हैं, अच्छा लगेगा। इसके ऊपर हम ब्लैक कचनी वर्क दे सकते हैं। मुझे एकदम से आइडिया लगा कि इसको, इनकी हेयर एक्सेसरीज को भी हम रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अभी इस पे वर्क हो गया। अभी जो हम वर्क करेंगे वो है हमारा ये वाला बैकग्राउंड, इनकी पालकी का कलर। तो एज यूजुअल जो नेचुरल कलर होती है हमारी पालकी की, हम उसको ही रखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ भरने से हम करेंगे। जैसे हमने ये ब्राउन कलर लिया, और इसको पूरा फिल करते चलेगा।
ये हमारा आज का वर्क हुआ जो हमने अभी किया आपके साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंप्लीट करेंगे. इसको भी हमें ब्राउन कलर ही देना है क्योंकि अब हमारी कुछ बड़ी पेंटिंग्स हैं जो कि एक वीडियो में नहीं आ पाएंगी, तो हम उसको दो वीडियोस के साथ या समटाइम्स अगर बहुत बड़ी वीडियोस हैं तो हम उसको दो से तीन वीडियोस के साथ करेंगे. इसको हम इतना छोड़ेंगे. ये हमारा ब्राउन कलर, ये हमारा ब्राउन, ये ब्राउन हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी मधुबनी स्किल को और भी अच्छा बनाइए. टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.